हेलो स्टूडेंट, वी आर वेलकम इन आवर इंग्लिश क्लास. आई एम माधुरी भारद्वाज. आई एम योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी विल कंटिन्यू आवर लेसन नंबर 2. इसमें हम देखेंगे कि वो लोग जो तूफान में फंस गए थे, तो उन लोगों की क्या कंडीशन होती है, तो उस कंडीशन को वो लोग कैसे फेस करते हैं और आगे क्या होता है. सम हाउ आई मैनेज, कहते हैं कि मतलब कैसे भी प्रकार से मैं मैनेज कर सकता हूँ टू स्ट्रेच द कैनवास एंड द सिक्योर द वाटर प्रूफ हैचेस कवर अक्रॉस द गैपिंग होल. उन्होंने कहा कि मैं ये जो गैप है उस होल में से वाटर कवर के थ्रू जा सकता हूँ. एंड सम वाटर द कंटिन्यू टू द स्ट्रीम ब्लो, और जो कुछ स्ट्रीम है वो मेरे नीचे से निकल जाएगी. एंड द मोस्ट ऑफ इट वॉज द नाउ बीइंग टू द डिफ्लेक्टेड ओवर द साइड, और कुछ जो पानी है वो मेरे साइड से निकल जाएगा. सम मोर प्रॉब्लम अरोज वेन आउट ऑफ द हैंड पम्प स्टार्टेड टू ब्लॉक. उन्होंने कहा कि यदि मान लो ये जो पंप है वो ब्लॉक हो गया, तो विद द डेब्रिस द फ्लोइंग अराउंड द कैबिन्स एंड द इलेक्ट्रिक पम्प शॉर्ट सर्किट हो, यदि वो इलेक्ट्रिक पम्प जो है वो यदि शॉर्ट सर्किट हो गया उसका, तो फिर क्या होगा, करंट फैल जाएगा. द वाटर लेवल रोज द ट्रिमेंटली, और जो वाटर लेवल है वो भी बढ़ जाएगा. एंड बैक टू द डेक एंड आई फाउंड द ओर द टू स्पेयर हैंड द पम्प्स हैज बीन द रेक ओवर बोर्ड एंड अलोंग विद द फॉरेस्ट्री सेल एंड द जिब टू द लिंक एंड द मेन एंकर. देन आई रिमेंबर वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प. उसके बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक और इलेक्ट्रिक पम्प रखा है अंडर द कार्टून, कार्टून के अंदर रखा है फ्लोर पर. एंड आई कनेक्टेड टू इट एंड द पाइप, उसने कहा मैंने इसे पाइप के साथ कनेक्ट किया. एंड वॉज द थैंकफुल टू फाइंड दैट इट वर्क, और फिर इसे अपने साथ वर्क करने के लिए कहा. एंड देन आई रिमेंबर वी फाइंड अनदर इलेक्ट्रिक पम्प. उसके बाद में मुझे ये याद आया कि एक और अनदर जो पम्प है वो कार्टून बॉक्स में रखा है, और मुझे कंसर्न किया कि मुझे उसे लेकर आना चाहिए, और उसने उसको पाइप के बाहर कनेक्ट कर दिया. एंड द थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, उसका थैंक गॉड कि वो वर्क कर रहा था. द नाइट ब्रेक ऑन द विद द एंडलेस एंड द बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ द पंपिंग लिपिंग एंड द वर्किंग द रेडियो एंड वी फर द गेटिंग टू द रिप्लाइज टू अवर मेन डे कॉल एंड विच वॉज नॉट द सरप्राइजिंगली इन दिस रिमोट. और उसने कहा कि इसके लिए मैं मतलब सरप्राइज कि मुझे मिल गया कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड श्योर दैट हैड टू द सोलन, और जो स्यूज थी उसके जो हैड था उसमें सोलन आ गई थी. एनमाइटिंगली शी हैड द टू इनॉर्मस ब्लैक आइज, उसकी जो बहुत बड़ी बड़ी आँखें हो गई थी, सूज गई थी. एंड नाउ शी शॉट टू द डीप कट एंड हर आर्म्स. व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड अ मोर एंड हर इंजर्ड बिफोर, दे सन का कि इसके पहले तुम्हें कभी इंजर्ड हुआ है. शी रिप्लाई आई डोंट वॉन्ट टू वरी अबाउट, क्योंकि मैं इसके लिए चिंतित नहीं होना चाहती हूँ. हाँ लिए वैन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जबकि तुम हम सबको बचाना चाहते हो. बाय द मॉर्निंग ऑन द जनवरी, जनवरी 3 की बात है, सुबह के समय द पम्प हैड टू द वाटर लेवल से भी सेंटली, जो वाटर लेवल था वो पर्याप्त मात्रा में था. अंडर द कंट्रोल, मतलब कंट्रोल के अंदर ही था. एज द 2 आवर द रेस्ट ऑफ द रोटेशन, रोटेट कर रहा था. बट वी स्टिल हैड द ट्रिमेंडस लीक समवेयर हाउ ब्लो द वाटर लाइन एंड ऑन द शेकिंग आई फाउंड द नियरली ऑल द बोट, क्योंकि हमने इन सभी को प्राप्त किया है. मेन रिव फ्रेम, मेन रिव फ्रेम वर द स्मैश डाउन टू द नील. इन फैक्ट द देयर वॉज द नथिंग होल्डिंग अप टू होल सेक्शन इन द स्टेट बोर्ड. स्टेट बोर्ड में कोई सेक्शन ही नहीं बचा था, एक्सेप्टेड टू द फ्यू कवर्ड पार्टीशन, कुछ कवर्ड पार्टीशन के अलावा. वी हैड टू सर्वाइव फॉर 15 आवर्स, हमें 15 घंटे तक जीवित रहना है. सिंस वी हैव हिट, जब तक हम इतना कर लें. बट द वेब वॉकर वुडंट वी होल्ड टुगेदर, जब तक कि हम उसको बनाना लें, बोट को बनाने लें. लॉन्ग द इनफ टू अस रीच द ऑस्ट्रेलिया, जब तक कि हम ऑस्ट्रेलिया ना पहुँच जाएँ. वुडंट टू होल्ड द टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया. एंड आई चेकड आउट द चार्ट एंड द कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड इन द फ्यू 100 किलोमीटर, छोटा सा जो आइलैंड है वो यहाँ पर कुछ 100 किलोमीटर है ईस्ट की ओर. वन ऑफ देम, उनमें से एक है. एंड द
एम्स्टर्डम, जिसका नाम एम्स्टर्डम है, वो द फ्रेंच साइंटिस्ट बेस, जिसका नाम फ्रेंच साइंटिस्ट के नेम पर रखा गया है। ओनली वन होप वाज री देयर, केवल एक ही आशा है कि वो वहाँ पर हमें पहुँचना होगा। एंड द पिन प्रिंग द वेस्ट ओसिन एंड देश, क्योंकि वहाँ पर साइंटिस्ट लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल के लिए जाते रहते हैं। एंड द वेंट सी फॉर इट टू द कुड बी हॉस सेल एंड अवर चेंजेस वुड बी स्लिम इन डी रेड द ग्रेट वेव हैड पुट अवर एंड टू द एक्शन ऑन जनवरी 4 की बाद आफ्टर द 36 घंटे के बाद में कंटिन्यूसली पम्पिंग वी रीच टू द लास्ट फ्यू सेंचुरी, हम मतलब लास्ट 5 सेंचुरी तक मतलब वाटर तक पहुँचने ही वाले हैं, 5 सेंटीमीटर तक पहुँचने ही वाले हैं। एंड वी हैड टू ओनली द की पी द वाटर इज स्टिल कमिंग, हम कंटिन्यू देख रहे थे कि वाटर फिर भी आ ही रहा था। वी कुडंट सेट द सेल ऑन द मेन मास एंड द प्रेशर ऑन द रेगिंग वुड सिंपली पुल द डैमेजिंग सेक्शन ऑफ द हरी अपार्ट एंड सो वी होस्टेड द स्ट्रॉन्ग जिप एंड हेडेड टू फोर्थ वेयर आई थॉट एंड टू आईलैंड बर, यहाँ पर 2 आईलैंड हैं। वी फाउंड द कॉर्नर बीफ एंड द शेकर बिस्किट्स, मतलब कि यहाँ पर जो बीफ और बिस्किट हैं वो भी हैं। वी एट द फास्ट मील, पहले हम खाना खाएंगे उसके बाद में मतलब लगभग लगभग 2 दिन तक हम साथ में खाना ही खाएंगे। बट वी रिपेयर द सम शॉर्ट जैसे द 4 PM एंड बैक टू द क्लाउड बिगेन, जो बादल थे वो वापस आने लगे बिल्डिंग अप टू बिहाइंड एंड विद इन द आवर, और घंटे के अंदर जो विंड थी वो लगभग लगभग 40 नॉट की स्पीड से बह रही थी। एंड सीज आर द गेटिंग द हायर, और बादल भी बड़े बड़े हो रहे थे। वेदर कंटिन्यू टू द डेटेड एंड थ्रू आउट द नाइट एंड बाय द डाउन इन जनवरी 5 द सिचुएशन वॉज अगेन द डिसेपरेट, और सिचुएशन फिर से अलग होगी। इट्स इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू सो मच।